गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन घरों और भव्य पंडालों में गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है, जहां भव्य सजावट और जुलूस निकाले जाते हैं। 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव 7 सितंबर को शुरू होगी और अनंत चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ समापन होगी, जो 17 सितंबर को है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान 4 विशेष पूजाएं की जाती है। कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने चंदन के लेप से भगवान गणेश, बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि और खुशी के देवता की रचना की थी। देवी पार्वती ने स्नान करते समय भगवान गणेश को उस स्थान की रखवाली के लिए छोड़ दिया, क्योंकि भगवान शिव इस बात से अनजान थे कि भगवान गणेश कौन है और माँ पार्वती के साथ उनका क्या संबंध है। इसलिए वे भगवान गणेश को उस स्थान पर बाहर पाकर आश्चर्यचकित हो गए जहाँ माँ पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने भगवान शिव को उस स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान गणेश का सिर काट दिया। यह देखकर माँ पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने दुनिया को खत्म करने की धमकी देते हुए काली का अवतार लिया। सच्चाई का पता चलने के बाद भगवान शिव ने अपने सेवकों से एक बच्चे का सिर लाने को कहा, जिसकी माँ दूसरी तरफ देख रही थी। उनके सेवक एक शिशु हाथी का सिर लेकर लौटे और उसे गणेश को दे दिया। इस तरह भगवान गणेश को हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में जाना जाने लगा। गणेश चतुर्थी का हिंदुओं के लिए बहुत महत्व है। उनका मानना है कि भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति को बुद्धि, सफलता और सौभाग्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कोई भी नया काम, परीक्षा, शादी या नई नौकरी की शुरुआत करते समय भगवान गणेश के भक्त उनसे प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनसे सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। कहाँ होती है धूमधाम से पूजा? गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, हालांकि यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। खासकर मुंबई, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। वे मूर्ति स्थापित करते हैं, भगवान गणेश की पूजा अनुष्ठान करते हैं और भोग लगाते हैं, साथ ही व्रत भी रखते हैं। गणेश चतुर्थी के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस बारे में जानते हैं। और इस समय बन रहे हैं 4 सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि यज्ञ 7 सितंबर को दोपहर 12:34 से 8 सितंबर को सुबह 6:03 तक रहेगा। रवि यज्ञ 7 सितंबर को सुबह 6:02 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। वहीं ब्रह्मा यज्ञ 7 सितंबर को सुबह 6:02 से रात 11:17 तक रहेगा। इसके साथ ही इंद्र यज्ञ 7 सितंबर की रात 11:17 से अगले दिन तक रहेगा। गणेश चतुर्थी के लिए शुभ मुहूर्त कौन सी है? इस वर्ष गणेश चतुर्थी का पूजा का शुभ समय है 11:03 से दोपहर 1:34 तक। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।